चमन की सला छोरा पावा तो बन रेक अनेक लिए कदन बस सिंह दरुहा जमन पा पत्थर पे टेक लिए और त्रे फेरे ऊपर देख ले वा बलतिया गवन की अलत्र ब्याह करवा दू मेरी बेटी गए चमन की बेटी तो जवान होगी आप मेरी शादी करोगी इसलिए हमें चिंता ही है मैं तो तेरी माँ ना रोज का चोरी होगी जवान और अपने गेड़ा में दे दे और ठीक है ना बेटी अच्छा एक काम करो ना क्या आप मेरे लिए खाना लगाओ मैं अपनी एक सहेली के पास बेटी जल्दी आना आपके लिए खाना तैयार पाऊंगा आ जाए तुम अपना सर करते तो मेरे सज्जन साहबान लीलो डा की खुशी मान के चमन के पास आती है शाबाश मेरी चमन जय जय तो आप तो बहुत खुश हो रहे थे हाँ जनाब हम बड़े बड़े खुश हैं कोई खुशी की बात है खुशी की बात है और वही खुशी की बात आज तो तेरा चेहरा कुछ मत बात कर रहा क्या बोलो यार ना वही खुशी की बात तेरे पास आई सात चमन जाने लाज का खुशी मलहरी से हमने रोके सर ले अरे
ये तो बात मिला रही से चमन अपने बाप से फीस मांगता है और जो देश शादी था और शराब तीती कर घर का सौदा तमाम बर्बाद बना दिया था। चमन अपने बाप के पास फीस मांगता है और देव ठेके पे पहुंचता है। आगे क्या होगा मेरे साहब? सुनिए, अरे ओ ठेकेदार, क्या मतलब है? हमने बोल रखा है जिस टाइम मैं आपके ठेके पे आऊं बोतल लेके खड़े हो जाए। अगर पास में पैसा नहीं, बात इतनी करते हो? आज मेरे पास पैसे नहीं है। 27 रुपए 9 आने आपके पिछले बिल में बाकी है। अरे क्या जिक्रा करता है 27 रुपए 9 आने? क्या जिक्रा करता है? और रखता नहीं। आज मेरे पास पैसे नहीं है। क्या है आज मेरे जो रे चूड़ी है? ये चूड़ी किसकी है? या मेरी माँ की है। एक तो पहले दे गया था, एक तो पहले दे गया था तेरे थी। अरे एक यार रही थी या भी तेरी चूड़ी पे लग रहे? ओ साले मेरा बाबू जी ने लाग रहे इप। देखो इसके कुल 50 रुपए लगेंगे। अरे 500 रुपए का जोड़ा मिला था 50 रुपए? कमाल करे, 2 रुपए कम लगा लो आप। नहीं और 50 रुपए मिलेंगे। अंदर बिठा के किसी की जेब काट ले। ठहरो बदमाश, चोरी का माल बेचता है, हमारी ईमानदारी पूछता है। चलो यार तू बोतल ले, क्या घर से निकल रहे, ले आओ। और क्या लो जाओ। अरे काम करना। हाँ ठेके से बाहर पीना ठीक है। अरे इसमें सुआ तो नहीं लगा रखा? अरे सुआ नहीं है। अच्छा हाँ, तड़का ही सैंपल भरवा दूंगा तेरा। ये बिल्कुल असली चीज मिलेगी मेरे पास। अच्छा ठेके से बाहर पियो जाओ। अच्छा चलो चलो ठीक है। ले भाई मेरे दोस्तों, मेरे ढबियों, मेरे फ्रेंडो, आपको नशे के बारे में 2-4 बातें बताता हूं। भाई सुल्पा पीने से क्या नफा, खांसी उठे तो जोरू खपा, खुल खुल खुल, कोई खास नशा नहीं। घराली भी परेशान हो जाहिर हो, बेराना कद सीख मरेगा, रांद नहीं कटेगी। और भाई भंग पीने से क्या नफा, लगे दस्त तो पेट सपा।
और दारू पीने से क्या नफा, जूता लगे तो टाट सफा। क्या बात हुई भाई, तुम ठेके से बाहर पियो जाओ, बकवास मत करो, यहाँ आ जाते हैं घर से। आप पिताजी राम राम। आइए मेरे चमन, कल से आगे आइए, खाना खाइए। खाना तो मैं फिर खा लूंगा पिताजी। बोलिए। मेरे को मास्टर लोग तंग करते हैं। अच्छा, मेरे को फीस चाहिए। फीस अभी? ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, मैं घर से फीस लेता हूँ। मेरे सज्जन साहब, आज देव शराबी ने कोई भी घर में ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कि उसने बुढ़ा बेचकर फीस दे दे। उसकी माँ की एक सोने की चूड़ी थी, बाबे गिरवे रखा, यानी ठेके बेच आया, घर में कोई पैसा नहीं रहा और बुढ़ा आदमी ना मेहनत कर सकता है ना मजदूरी कर सकता है। शाबाश चिमनी की माँ, आइए। वो मैंने वो आपकी चूड़ी बनवाई थी सोने की। हाँ 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 जी, वो चूड़ी मेरे को दे दो, उसको गिरवा रखा है, मैं चिमन बाबू को फीस दे दूंगा। ऐसी नौबत आ गई है कि चूड़ी गिरवा रखनी पड़ेगी। जी हाँ, ठीक है, मैं लाती हूँ साहब। चाहिए साहब जी। हम्म, वो चूड़ी तो मैंने नहीं मिली। क्यों, कहाँ गई? मैंने अलमारी में रखी थी। अलमारी एक बार खुले देख बंद। अलमारी तो खुली थी आपकी, 24 घंटे अलमारी जो खुली रखती हो ना, ये तभी नुकसान होता है घर में। साहब जी हाँ हाँ, देखो मैंने डर लगता है कि आपका बड़ा लड़का देव है, उठा के ले गया उसको। ये देव हाँ, तेरे को ऐसा जाम रखा है हाँ, जो घर का सित्ता नाश कर दिया और भी घर की मट्टी पलीत करेगा। ये इसमें मेरा क्या दोष है? और मेरा दोष है आपका ये? चलो हाँ, गूंद के बेले आप खाओ थी, दोष मेरा बताओ। आपको कल फीस मिलेगी। चलो कल मैं राज में कोई फिक्र नहीं, नहीं जाइए। मेरे साहिबान, चमन का बाप सोचता है तू बुढ़ा आदमी ना मजदूरी कर सकता, ना मेहनत कर सकता, ना मांग सकता, के कर सकता है लड़का जरूर पढ़ाना, ये विचार में जागे और सारा कुंभा सो जाता है और चमन भी शाना था भी जागे था। तो मेरे साहिबान, बुढ़े के विचार में क्या आया कि तू चोरी करने, चोरी करके किसे की और अपने बेटे की फीस दे दी, ये विचार उसके मन में जागे तो सारा कुंभा सो जाता है और चमन जागता था। बूढ़ा उठ कर चला चोरी करने के लिए, गले चमन भी हो गया। और देव श्राद्धी ने यह हालत कर दी। अरे 12 बज गए अधिके, चला रे चमन भी साथ साथ चला, चमन भी साथ साथ चला। आधी रात उठ चला, आधी रात उठ चला, आराम क्या होगा, अरे चोरी के सवा रात में और कान के होगा, किसे ने तो क्या चोर सवा और नाम के होगा, जब पकड़ा गया पाड़ पत्र जान के होगा। भाई सोजन चोर के एकन साधा, चोर के एक दिन साका ओ चिंता पाना, अदाज के ने पिता चक्कर चमन भी साचा चला।
आ गया वो तड़का उसका चोरी करनी फलाने से क्या जो दिल में तक रखी थी जवा वो चोर ना आई एक खुला दरवाजा मिला बनन की रोस मोहमा सली और चमन करा अफसोस पिता की देख देख काटी रवि त्रिपण का बूढ़ा थेलू माया की खाली हर जागरु ही डरा बूढ़ा जागरु ही डरा बूढ़ा सेठ की थैली काट के चमन का बाप भाज लिया मोहल्ला जाग जाता है घराने जाग जाते हैं सौर मार जाता है पुलिस का जोर हो जाता है सब बात पकड़ो चोर गया चोर अपने बाप की इज्जत खातर मुकदमा अपने चोर तो भाग आप तो नहीं भागे जब पड़ जाबे पुत पिता पे जब पड़ जाबे पुत पिता पे पुत्र पे के खड़ा रहा जासे जब सिर पर चढ़ गई पुलिस के वे बहुत भया जाते मैं क्यों कर करूं बयान मैं क्यों कर करूं बयान शर्म में गात गा जास है जिसका मुद्दा बाजा पास में ओए रे चोर कहा जास है कदर पत सिंह समर जमुआरे कदर पत सिंह समर जमुआ गुरु कान रखवाला आपका नाम मेरा नाम चमन है अच्छा चमन बाबू दिन में पढ़ते हो रात को डाके डालते हो सब मालूम हो जाएगा चलो कहाँ चलो हवालात हवालात में मेरा क्या करोगे तेरा दूसरे दिखा गए तो मैं अगले का गाल दूंगा क्या करना था रात रात हवालात सुबह स्टेशन के यहाँ पेश कर देंगे अच्छा। दो सजा बोलेंगे वो ठीक है अच्छा, चलो ऐसा करो ये हवाला आ गई है ठीक है सर यहाँ बैठ जाओ हाँ। सुबह आऊंगा हाँ। जब आपसे बातें करूंगा ठीक है और ये पुराने कैदी है इनको तंग मत करना है ये। हाँ हाँ ठीक है सर ये ठीक है बैठ जाओ